आपने बहुत सुना होगा सुलाखा बंछारी, सुलाखा बंछारी पलवल के पास में जी सस्ता प्लॉट 1 लाख 1.25 लाख में जी प्लॉट ले लो 50 गज का ना। तो वही आज मैं अपने लोकेशन में दिखाने वाला हूँ कि सस्ते के ज़्यादा चक्कर में जाओगे तो कहाँ आपका पैसा बर्बाद होने वाला है वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं क्या प्राइस में देने वाला हूँ, क्या क्या यहाँ पर चीज़ मिल रही है। फ्लैट दे रहा हूँ 1 BHK का, 2 BHK का, NOC वाली प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री है, मोटेशन है, इसका सब कुछ है हमारे पास, इंडिपेंडेंट विला है। तो एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको यह प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं हूं बदरपुर में और बदरपुर से सीधे आपको साइट पर लेके जाने वाला हूं। रूट का वीडियो पूरा देख लेना ताकि आपको जब कल विजिट करो तो आपको रूट पता हो। मैक्सिमम लोगों को रूट नहीं पता, रास्ते नहीं पता कि जो मैं साइट दिखाने वाला हूं एग्जैक्ट है कहां पे। ये फरीदाबाद का टोल है, ठीक है जी। और हम जैसे अगर दिल्ली से अगर जाते हैं तो साउथ दिल्ली होते हुए बदरपुर बॉर्डर आता है, बदरपुर बॉर्डर होते हुए फरीदाबाद से ये रूट सीधे हमारी नई साइट पे जाने वाली है, जहां पे आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में प्रॉपर्टी देने वाला हूं मैं आज इस वीडियो के अंदर। और अभी मैं बल्लभगढ़ आ चुका हूं। ये राजा नहर सिंह का मेट्रो स्टेशन है, ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है फरीदाबाद का। तो और इसके बाद मैं बता दूं पलवल तक का भी शायद पास हो चुका है। तो आपको जो मेरी साइड है वहां से कुछ ही दूरी पे आपको आगे चल के 2-3 साल में वहां पे मेट्रो भी मिल जाएगा। लेकिन बता दूं आज के डेट में अगर आप पूछते हो कि भैया मेट्रो है कि नहीं वहां पे, तो मेट्रो नहीं है, ये एक बजट वाली प्रॉपर्टी है। यहां पे आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट सब कुछ आपको नियर अबाउट में मिलने वाला है। बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है। और ये जो आप पलवल सिटी में है, यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो जेवर एयरपोर्ट जा सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से सीधे ये रास्ता देख रहे हो, ये जेवर एयरपोर्ट जाता है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एयरपोर्ट भी मिलने वाला है। जो हमारी साइड है वहाँ से भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जेवर एयरपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लेकर आया हूँ, रेडी टू मूव वाला है कि विला ले लो, फ्लैट ले लो, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे यार आपको, और वो भी आपके बजट में। ये आपने बहुत सारी वीडियो में देखी होगी, बहुत सारे लोग इसको दिखाते हैं, KMP इसको बोलते हैं या ईस्टर्न पेरिफेरल बोलते हैं। यहाँ से आप कुंडली, मानेसर, पलवल और कहीं भी अगर आप जाना हो तो इस रूट को यूज़ करके आप जा सकते हैं। एक्सप्रेसवे है, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी लंबा एक्सप्रेसवे है ये। और यहाँ से बता दूँ, चलिए डिस्टेंस की बात कर ले, बदरपुर से जो डिस्टेंस है वो हमारी साइड की 68 किलोमीटर है, बल्लभगढ़ से जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 45 किलोमीटर, और अगर आप पलवल से जाते हैं तो अराउंड 18 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये आपको हमारी साइड मिलने वाली है। ये हवेली देख रहे हैं, हवेली है, ये रेस्टोरेंट होटल है ये पूरा। और ये देखा अगर सीधे चले जाते हैं तो आप वृंदावन मथुरा चले जाएंगे, बट अभी हमें यहाँ से इस पुलिस चौकी से हमें लेफ्ट लेना है सुलाखा की तरफ, ठीक है जी। अगर स्ट्रेट चले जाएंगे आप, ये जो ऑटो आती है पलवल से भी यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑटो मिल जाती है आने के लिए, बिल्कुल नया रोड बना हुआ है ये। और यहाँ से मात्र 5 से 7 मिनट के दूरी पे आपको हमारी प्रोजेक्ट मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल सुलाखा रेलवे स्टेशन के पास में होने वाली है। यहाँ के बहुत सारे आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन कोई भी आपको डिस्टेंस नहीं बताता कि बदरपुर से कितना किलोमीटर है, बल्लभगढ़ से कितना किलोमीटर है और पलवल से कितना किलोमीटर होने वाला है। इस पूरे रूट में आपको टैक्सी भी चलती है, ऑटो भी चलती है, सब कुछ दिखाएं, स्कूल बस, आसपास पूरी आबादी, बसावट सब कुछ है, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो चलिए सीधे लेके चलता हूँ साइट पे। और वीडियो देखने से पहले बता दूं, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको प्रॉपर्टी के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलता है, जो कि पूरी दिल्ली NCR के हम लोग यहाँ पे वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर जानबूझ के किसी को अपना पैसा वेस्ट करना हो, कुएं में डालना हो, तो भैया उसका पैर तो पकड़ नहीं सकते, जिसको जो करना हो तो अपना लाइफ में करे। तो चलिए जो साइड आज दिखाने वाला हूँ उस साइड पे मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं, एक बड़ी सी यहाँ पे आपको एक गेट मिलता है और चारों तरफ से एक बाउंड्री वॉल है, जहाँ पे आपको 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड। और यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको प्लॉट, विला, फ्लैट, जिसमें 1 BHK का, 2 BHK का फ्लैट भी है, और अगर आपको इंडिपेंडेंट विला चाहिए वो भी आपको देने वाला हूँ। लोकेशन भी बताऊंगा, पूरी प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो आपका हार्ड अर्न मनी है, जो आपकी मेहनत कमाई है ना, वो किसी गलत हाथ में ना जाके फंसे, कहीं आपका पैसा वेस्ट ना हो। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, जो एक सस्ते बजट की जो प्रॉपर्टी होता है, वहाँ पर एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास के हम जैसे लोग आते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने। तो यहाँ पर अगर आपने कहीं भी सस्ते के चक्कर में ज़्यादा जाते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा फंस जाता है। जैसे जिस लोकेशन पर हूँ मैं बता दूँ, यहाँ पर यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो आपको 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 25 हज़ार 1 लाख 30 हज़ार में आपको 50-50 गज के लोग प्लॉट दे रहे हैं। बट क्या वो आपने प्लॉट देखा कभी जाके? वहाँ पे जरूर जाके विजिट कीजिएगा, उनसे उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो ये लोग 1-1.5 लाख में जो प्लॉट देते हैं ना, ना तो उसमें पक्का रोड मिलेगा, ना आपको उसमें एक बिजली खंभे मिलेंगे, ना ही उसके अंदर कोई चारों तरफ से बाउंड्री वॉल या कुछ भी ऐसी आपको वहाँ पे प्रोविज़न नहीं दिया जाता है। जैसे ये देख लीजिए, हमारी ये सोसाइटी है, प्राइस बाद में बताऊँगा, पहले दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं काले रोड बने हुए पूरे, आप देख सकते हैं काले रोड है यहाँ पर,
गेट लगा हुआ है, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, दोनों तरफ मेरे पार्क दिया गया है। जो एक सोसाइटी का जो मेन चीज़ होता है कि कहीं अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, यहीं पे हमारे जस्ट बगल में ही कुछ लोग 1.25 लाख में 1.5 लाख में ज़मीन दे रहे हैं जी, 50 गज ले लो जी, लेकिन वहाँ पे एक बिजली खंभे नहीं। हमारे सोसाइटी के अंदर 3 ट्रांसफार्मर है, 1 बाहर है, 2 अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और उनका मैं क्या देखता हूँ कि खेत में कहीं दूर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, वो क्या दिखाएंगे कि सब देखो वो ट्रांसफार्मर लगाओ वहाँ से आपको बिजली कनेक्शन मिल जाएगा, जबकि ये नहीं बताते कि जो वो दूर वाला जो खेत में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, वो आपके घर के लिए किसी रेजिडेंशियल नहीं लगा हुआ है, वो लगा होता है सिंचाई के लिए, किसान के लिए लगा हुआ है वो ट्रांसफार्मर, जहां पे किसान जब भी अपनी गेहूं धान या कुछ भी ऐसी फसल लगाता है उसकी सिंचाई होता है। वो आपके वो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप घर बनाओगे और वहां से आपको कनेक्शन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो 1.25 लाख के प्लॉट देते हैं उनसे खाली यही बोलो कि भैया आपने यहां पे कितने प्लॉट बेचे हैं एक बार वो मुझे पूरा दिखा दो। आपको एक प्लॉट के अंदर आपको रोड नहीं मिलने वाला, एक प्लॉट के अंदर कोई ढंग से डेवलप नहीं किया गया होगा, तो उसी देखिए कौन क्या बेच रहा है कैसे बेच रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। जिसका जैसा रेट है वो अपने हिसाब से बेच रहा है, कौन डेवलप दे रहा है नहीं दे रहा वो उसकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, लेने वालों की मर्जी है कि भैया आप क्या देख के लेते हो नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जो ये प्रोजेक्ट मैं दिखाने वाला हूं वीडियो एंड तक देख लेना और एक बार आप विजिट करके आ जाना। हाँ, रेट महंगा है यहां पे, क्योंकि महंगा इसलिए क्योंकि हम सारी फैसिलिटी देते हैं कि आपका जो पैसा हो एक सही जगह लगे। तो चलिए सबसे पहले बताऊंगा ये लोकेशन क्या है। लोकेशन अपना आता है, आपने वीडियो में बहुत सुना होगा आजकल कि सुलाखा बंचारी रेलवे स्टेशन पलवल के पास में सुलाखा रेलवे स्टेशन, जस्ट सुलाखा रेलवे स्टेशन यहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हमारे सुलाखा रेलवे स्टेशन पड़ता है, बंचारी यहां से थोड़ा सा आगे पड़ता है। तो ये आप सामने देख रहे हैं एक बड़ा सा गेट है और साथ में यहां पे आप देख सही है यहां पे ये पार्क दिया गया है, यहां पे इस साइड भी पार्क है और गेट के इस साइड भी पार्क मिलता है, बीच में वाटर फाउंटेन भी बना हुआ है और उसके साथ में आप ये रोड देखिए, रोड जो है पूरा ब्लैक पिच रोड है, काली रोड जिसको बोलते हैं ना, ब्लैक कारपेट वाली रोड यहां पे आपको मिल रहा है और कितनी सुंदर सी लग रही है सोसाइटी आप देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे आ गया फ्लैट हमारा, ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं ये है अपना 1 BHK का फ्लैट है, ये 1 BHK का फ्लैट है जो कि आपका 32 गज के अंदर यहाँ पे फ्लैट मिलता है और इसका जो प्राइस स्टार्टिंग है 6 लाख में आपको एक यहाँ पे फ्लैट मिल जाता है। और डाउन पेमेंट की बात करें तो मात्र यहाँ पे 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके आप यहाँ पे फ्लैट ले सकते हैं। साथ में ये आपका 2 BHK का फ्लैट है, ये आप देख सकते हैं ये 2 BHK का फ्लैट है और ये आपको मिलता है जी 62 गज का ये फ्लैट है और इसका जो डाउन पेमेंट आता है आपको 2 लाख रुपए देके आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो चुकी है, लोग रहते हैं और बाकी के जो पेमेंट है वो आप इजीली 30 महीने के किस्तों में भी दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 30 महीने की किस्तों में दे सकते हैं। अब मैं आपको विला दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये हमारा विला है जो कि 74 गज में बना हुआ है, इंडिपेंडेंट विला है, 74 स्क्वायर यार्ड का है ये और इसका प्राइस जो हमने रखा है मात्र 15 लाख रुपये है और यहाँ पर मात्र आप 2.5 लाख रुपये दे के आप यहाँ पर अपना शिफ्ट हो सकते हैं। सारे विला जो है रेडी टू मूव है यहाँ पर और आपको जो 2.5 लाख रुपये देने के बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्री मोटेशन सब कुछ हो जाता है, NOC वाली प्रॉपर्टी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, NOC वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये। और उसके साथ में बता दूं कि ऑलरेडी काफ़ी फैमिली रेडी है, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी 2-3 फैमिली यहाँ शिफ्ट हो चुकी है विला के अंदर और 3-4 फैमिली फ्लैट के अंदर शिफ्टेड है। 2.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट है यहाँ पे और उसके बाद आपको 30 महीने का टाइम मिल जाता है कि 30 महीने में आप इजी इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे आप पेमेंट दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्राइस का। विला का जो प्राइस हमने रखा है वो है 15 लाख का ये विला है आपको, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके बाकी का आप 30 महीने के इजी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। 6 लाख का आपका 1 BHK का 32 गज का फ्लैट है और 2 BHK का फ्लैट है आपका 62 गज का, जिसमें आपका 1 BHK के लिए 1.5 लाख, 2 BHK के लिए 2 लाख और विला के लिए 2.5 लाख रुपये आप डाउन पेमेंट देके इजीली आप यहाँ पे अपना शिफ्टेड कर सकते हैं। फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्टेड है, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी वेल डेवलप है। और बता दूँ यहाँ पे हमारे पास प्लॉट्स भी अवेलेबल है, जो मैं प्लॉट्स की बात कर रहा था कि सुलाखा लोग जो है सुलाखा और बंचारी में जो लोग प्लॉट बेच रहे हैं ना 1-1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख में, तो उनका ना कोई सोसाइटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना ही वो आपको एक बिजली खंभे लगा के देंगे। यहाँ पे आपको गेटेड सोसाइटी मिलेगी जहाँ पे फ्लैट है, विला है, आपको चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, 3-3 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मीटर लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। देखिए मैं आपको एक बार मीटर भी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए सोसाइटी का बकायदा यहाँ मीटर भी लगा हुआ है, देख रहे हैं इस विला का यहाँ मीटर भी है, लाइट भी जल रही है। तो अभी आपको मैं प्लॉट भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो आपको प्लॉट है वो किस रेंज में मिलेगा और उसका प्राइस क्या है और मिनिमम साइज यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, तो सारे कुछ आपको दूंगा वीडियो को। बस एक ही कहूँगा कीजिएगा, और मोस्टली लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आप साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें घर परिवार में, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम लोगों को जेन्युइन प्रॉपर्टी मिले, कहीं उनके जो हार्ड अर्न मनी है, जो उनकी मेहनत कमाई है, गलत हाथ में ना जाए। तो ये सारे आप जो देख रहे हैं सारी हमारी प्लॉटिंग है, यहाँ पे पीछे मकान का भी काम चल रहा है यहाँ पे।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि बाकायदा मकान का भी काम चल रहा है, ये सामने वाले मकान में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऑलरेडी कम से कम 5-6 फैमिली यहाँ पे रेडी है, जब देख सकते हैं यहाँ पे बिजली कनेक्शन वनेक्शन सब कुछ रेडी है। कि मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि आप पैसा दीजिए, डाउन पेमेंट कीजिए और आप अपना यहाँ पे मकान बना के रह सकते हैं। और जो सामने मकान देख रहे हैं ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर ही है, और उसके अलावा यहाँ भी घर बने हुए हैं, यहाँ भी घर बने हुए हैं, कनेक्शन सब कुछ यहाँ फैसिलिटी सारी कुछ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ भी ऑलरेडी एक फैमिली शिफ्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी मीटर लगा हुआ है, घर के ऊपर जो है मीटर लगा हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ भी मीटर लगा हुआ है, फैमिली रह रही है। इधर भी एक मकान का काम चल रहा है, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि यार ज़मीन ले लो जी, 10 साल बाद आके रहो या 5 साल बाद आके रहो, ऐसा कुछ नहीं। देखिए सामने भी, देखिए सामने भी मकान का यहाँ जो है यहाँ पे आपका काम चल रहा है। तो इस टाइप से पूरी हमारी सोसाइटी है, जो टोटल 30 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है हमारा। चलिए अब बात हम कर लेते हैं प्राइस क्या होने वाली प्लॉट की। प्लॉट की जो प्राइस हमने रखा है यहाँ पे रखा है 5500 रुपये प्रति गज के हिसाब से प्लॉट का रेट रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको 30 से 32 गज का भी प्लॉट अगर आपको चाहिए तो 30 से 32 गज का भी प्लॉट आपको यहाँ मिल जाएगा मीन्स में। और बाकी आप 50 गज, 100 गज, 80 गज, 200, 400, 500 आपका जितना बजट हो वो आप यहाँ पे आके अपना प्लॉट ले सकते हैं। अब प्लॉट में कंडीशन क्या होती है, प्लॉट आप में ज़्यादा नहीं है, अगर आपने 50 गज का प्लॉट लिया तो मात्र 50,000 रुपये देने हैं आपको। 50,000 रुपये दे के आप यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। 30 गज का प्लॉट लिया है तो 30,000 रुपये दे के आप अपना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी का जो पेमेंट है वो आप 30 महीने के ब्याज मुक्त किस्तों में दे सकते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई कुछ नहीं है, 30 महीने का टाइम मिलता है। तो रेडी टू मूव वाला प्लॉट है अपना, और सारी बिजली का व्यवस्था है, फैमिली रह रही है, रोड बना हुआ है, सब कुछ व्यवस्था है, मात्र 5500 रुपये गज। इसलिए बोल रहा हूँ कि महंगा है, लेकिन हम आपको एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट दे रहे हैं जहाँ पर आपको रजिस्ट्री के साथ मोटेशन है, तुरंत घर बना के रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, घर बना के रहना है तो आप घर बना के भी रह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फैमिली शिफ्टेड है, सारी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। आसपास मार्केट आपको मिल जाता है, स्कूल मिल जाता है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जो हमें डेली यूज में जो भी चीज हमें चाहिए होता है वो सब कुछ यहां पे आपको इजीली मिल जाता है। तो विला जो है वो आपको 15 लाख रुपए का है, प्लॉट 5500 रुपए गज है, 1 BHK का फ्लैट आपको 6 लाख में और 2 BHK का फ्लैट आपको 9 लाख में मिलेगा। डाउन पेमेंट फिर से बता दूं, 1 BHK का फ्लैट जो आप लेते हो तो उसमें 1.5 लाख का डाउन पेमेंट है, 2 BHK का अगर फ्लैट लेते हैं आप तो उसमें 2 लाख का डाउन पेमेंट है, और 74 गज का विला आप लेते हैं तो उसमें आपको 2.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने हैं, बाकी 5500 रुपये गज जमीन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मात्र यहाँ पे 50 गज के प्लॉट के लिए 50,000, 100 गज के लिए प्लॉट के लिए 1 लाख रुपये, 30 गज के प्लॉट के लिए आपको 30,000 रुपये, जो भी आपका बजट हो उसके साथ डाउन पेमेंट देके आप यहाँ पे मकान बना के फैमिली के साथ रह सकते हैं। आसपास इंडस्ट्रियल एरिया, हॉस्पिटल, मार्केट, जो भी चीज़ चाहिए आपको इजिली मिल जाता है।